हेलो, अस्सलाम वालेकुम साइमा, कैसी हैं आप? जोरा, हाउ आर यू? ग्रेट, अल्हम्दुलिल्लाह। फाइनली वी आर ऑन यस, फाइनली वी आर लाइव गेटिंग टू अदर। स्ट्रीम। यस, आफ्टर सो मेनी डेज, प्लेजेंट टू सी यू। प्लेजर पीपल आर सेइंग प्लेजर। हेलो टू। हेलो कवल, हाउ आर यू? हाय कवल, हाउ आर यू? We'll just, I think, wait for another few minutes to have a few more people join in quickly. Yes. So, how has it been today? Yeah, I know. Kamal, good to see you too. Thank you Why so are much, you Kaval. weeping? We'll be waiting for your view to others as well. So next time, be with us. Yes. Join us, join us, join us. So, Zora, how is the new normal to you? Oh, good Lord. It has taken a lot of time to sink in, Saima. I'll be very honest. Time लगा सब। आई थिंक वही वाली बात है दैट वी वर ऑल वी हैव बीन फायर फाइटिंग। हम सब फायर फाइटिंग कर रहे हैं, एंड क्योंकि कंटिंजेंसी प्लानिंग और बाकी प्लानिंग, एक्चुअली इस किस्म की किसी चीज के लिए हम लोग प्रिपेयर नहीं थे। तो ये पैंडेमिक हैज नॉट बीन एन इजी टू हैंडल अफेयर। अस्सलाम वालेकुम मिस जुबैदा अरसलान। हेलो, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। थैंक यू सो हेलो मच। सुबह। So, in all honesty, I feel it's still sinking in. But जैसे अब हम आगे गुफ्तगू करेंगे इंशाल्लाह, और जो जो अपना एक्चुअल मकसद है, जिस मकसद की वजह से हम लोगों ने ये कोलैबोरेशन किया है और ये सीरीज आज हम लॉन्च कर रहे हैं, वो फिर इंशाल्लाह शेयर करते हैं आपके साथ मिलके, अपनी इस नई फैमिली के साथ। हाँ, लेट्स लिस्ट कि हमने हमें क्या नजर आ रहा है कि व्हाट आर पीपल फेसिंग। थोड़ा सा एक यू नो वन लाइनर मे बी के जो है क्या क्या लोग फेस कर रहे हैं इस वजह से, इस प्रॉब्लम की वजह से। यार मैं आपको बताऊं, एक चीज का तो जो गैप नजर आ रहा है साइमा, वो क्लियरली ये कि जहां हम सिर्फ अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में कॉन्शियसली डिस्कशन कर रहे हैं, बहुत अच्छी हेल्दी एक्सरसाइज होती है कि जिसमें हम क्रिटिकली चीजों को एनालाइज करें, दैट्स अ हेल्दी थिंग टू डू। लेकिन जहां मुझे गैप फील हो रहा है वो यही कि हम वो सिल्वर लाइनिंग या किसी पॉजिटिव इम्पैक्ट या इन्फ्लुएंस की जो एक बात होती है, जो कहा जाता है कि यार पॉजिटिव सोल्यूशन की बात करें और देखें, तो वो वाली चीजों में बड़ा मुझे ना गैप दिख रहा है। और कभी सच्ची पूछे तो कोई मुझे सरप्राइज भी नहीं हो रहा है। आपको भी पता है दैट वी आर ऑल गोइंग थ्रू अ पैराडाइम शिफ्ट। जो आपने न्यू नॉर्मल वाली बात की, इट्स अ कंप्लीट पैराडाइम शिफ्ट। तो हम लोगों की जिंदगियां, हम लोगों के नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस जो है वो पूरे के पूरे इस वक्त अपसाइड डाउन है ना। डेफिनेटली तो वो जो वो वाली बात है कि बीइंग इन योर कॉन्शियस माइंड एंड स्टेट ऑफ अफेयर्स, जो मैं आगे इंशाल्लाह कॉन्वर्सेशन में शेयर करूंगी, आई फील सिर्फ इस वक्त जो मोटे मोटे हाइलाइट्स हैं वो एक ऑन द थ्रेशहोल्ड हमें लगते हैं कि अच्छा इकोनॉमिकल डिसबैलेंस हो जाएगा, देयर बी सो मेनी पीपल अनएम्प्लॉयड और ये सारा कुछ। लेकिन इस सब के बीच में और एक बहुत बड़ी चीज है, और वो ये कि जब ये सब चीजें थोड़ा बहुत भी अल्लाह ताला की मर्जी से इंशाल्लाह बैठ जाएंगी, उसके बाद क्या होगा? द इम्पैक्ट एंड द लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट ऑफ दिस चेन इफेक्ट, ये जो सारा का सारा होगा, जिसको हम स्नोबॉल इफेक्ट पढ़ते आए यूनिवर्सिटी के अंदर, वो स्नोबॉल इफेक्ट कब, किस वक्त, कैसे असेस किया जाएगा? और वो मेरा ख्याल है साइमा कि अगर हमने अब नहीं किया ना, तो फिर हम लोग उस वक्त एक और बड़ी मुश्किल में होंगे। क्योंकि हो ये रहा होगा कि हम अपनी उसी एक एक लिस्ट के साथ बैठे होंगे कि ठीक है, ये वो चीजें हैं जो मिसिंग और गैप में चली गई हैं, लेकिन अब वे फॉरवर्ड कहाँ से ढूंढें? यहां से कूदें या यहां से कूदें? यहाँ कुआं है और यहाँ खाई है,
एक साइड, बिल्कुल तो ज्यादातर लोगों का ह्यूमन फीलिंग जो है वो यही है कि इन आइदर केसेस, थैंक यू सो मच निम्रा फॉर ज्वाइनिंग अस, इन आइदर केसेस जो है वो सिचुएशन ये लग रही है कि हाँ डोल्ड्रमिक है. लेकिन इंशाल्लाह जिस रीजन की वजह से हमने ये सीरीज का फाउंडेशन रखा है, साइमा आई वुड वांट यू टू स्टार्ट विथ आवर विजन, ताकि फिर मैं उसमें ऐड इन करूँ इंशाल्लाह. मैं थोड़ा सा एक इनपुट जो है वो जनरल पब्लिक से भी लेना चाहती हूँ. देर आर लॉट ऑफ पीपल ज्वाइनिंग अस, निम्रा, हेलो निम्रा, हेलो नादिया, हेलो राजा सर, इफ्तिकार हुसैन साहब जो है, मैं इनको ये स्टार्ट देना चाहती हूँ कि मुझे ये बताएं कि आपको इस चेंज की वजह से जो इनिशियल प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, आप लोग वो प्रॉब्लम्स टेक करना शुरू करें ताकि हम उस पर्सपेक्टिव से उसके सोल्यूशंस पे बात करें, हम उसके वे फॉरवर्ड पे बात करें. क्योंकि देखिए प्रॉब्लम्स है के साथ, हर किस्म के प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है ना. और इस वक्त जरूरत है एक उंगली पकड़ने की, कोई हेल्प कर दे, कोई उंगली पकड़ ले, कोई बता दे, कोई रास्ता दिखा दे. तो शायद आप हमें रास्ता दिखाएंगे, कुछ रास्ता आप हमें दिखाएंगे, कुछ हम शायद कोशिश कर लेंगे. तो हो सकता है मिलकर जब हम काम करेंगे तो कोई एक अच्छा वे फॉरवर्ड निकल आएगा. बिकॉज वी आर ऑल, आई मीन देयर आर लॉट ऑफ पीपल फ्रॉम द एजुकेशन सेक्टर. मुझे लगता है कि सबसे बड़ा जो इफेक्ट आएगा वो एजुकेशन सेक्टर पे ही आएगा, क्योंकि इट्स अ पार्ट ऑफ आवर, वो आपने बिल्कुल सही बात की, क्योंकि वो हमारी इकोनॉमी का या हमारे एग्जिस्टेंस का बहुत बड़ा हिस्सा है. एजुकेशन इज अ ह्यूज फैसेट विद इन आवर एग्जिस्टेंस. और दूसरी बात ये कि अपना जोरा, जब ये प्रॉब्लम स्टार्ट हुई थी तो सबसे पहले स्कूल्स शट डाउन हुए थे और सबसे आखिर में स्कूल होंगे, ठीक है ना. बिकॉज वी कांट रिस्क ऑन दैट एज, बच्चे हैं, बच्चे और वो भी गैदरिंग इतनी बड़ी होती है स्कूल में. जाहिर है 800 बच्चों का भी स्कूल है, 500 का भी है, 100 का भी है. सो इट्स अ ह्यूज गैदरिंग एट वन प्लेस. तो वो जितने मुश्किल में आ सकते हैं शायद हम लोग इमेजिन नहीं कर सकते, ठीक है ना. एंड देन देयर आर मैच विद ईच बच्चा, तो दैट मींस यू नो मल्टीप्लाई मल्टीप्लाइंग इफेक्ट. तो आई वुड लाइक टू हियर फ्रॉम पीपल. अच्छा, राजा इफ्तिखार की उससे तानिया है, तानिया फ्रॉम अलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी. हेलो तानिया, इट्स नाइस टू हैव यू हियर. यहाँ पे इट्स ट्रूली डिप्रेसिंग कि इतने दिनों से लग रहा है कि आई एम अ बिग लूजर, कैन डू मेनी थिंग्स बट कांट अंडरस्टैंड फ्रॉम वेयर टू स्टार्ट. So, Zora, will you like to suggest something to Mubashira, because she is lot this depressed and she's thinking ki kahan se start kiya jaye. So, start. Assalamu alaikum, Mubashira. Thank you so much. Ek to aapne share kiya. और मैं आपसे ये बात, अगर मैं आपसे अपने और साइमा के दिल की बात अगर मैं सही समझ रही हूँ, तो ये सारे फेजेस हम सब पे से गुजर रहे हैं मुबशरा, और हम सब एट अ पॉइंट आके ये फील करते हैं कि हाँ वही जैसे मैं अभी कह रही थी ना, एक तरफ कुआं दूसरी तरफ खाइए हम जाएंगे. लेकिन मुबशरा, द रीजन वाई वी आर हियर इज इंशाल्लाह कि हम यही इसी बारे में डिस्कशन करेंगे. मुबशरा, एक चीज जो मैं अपनी ऑडियंस से भी साइमा रिक्वेस्ट के तौर पे करूंगी, जो मैंने खुद एज अ माइंडफुल प्रैक्टिशनर एक्सरसाइज करना शुरू किया है, वो ये कि कॉन्शियसनेस वाली जो एक एबिलिटी होती है इंसान की, साइमा ऑडियंस भी एग्री करेगी कि हम सबके अंदर वो कॉन्शियसनेस रहता है, लेकिन कॉन्शियसनेस का रहना और फिर एक्सटर्नल प्रेशर की वजह से उसके नीचे दब जाना बड़ा आसान होता है. हम इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, है ना मुबशरा, और एक्सटर्नल इश्यूज के वजह से हम जो है वो अपने इंटरनल कैरेक्टर को डाउट करने लगते हैं ना, और इंसान फिर ये सोच में और इस डाउट और इस फियर में पड़ा रहता है कि यार पता नहीं हम में कोई चीज है जो मिसिंग है. सब लोग तो लग रहा है भागते चले जा रहे हैं, हम किधर पीछे रह गए. हाँ मुबशरा, तो जो आपने अपना ये इनहिबिशन शेयर किया है कि बिजनेसेस के स्लम्प की बात या काम के ना चलने की बात और इंसान के उस डिप्रेशन मोड में आ जाना, वन थिंग इंशाल्लाह विल स्टार्ट हेल्पिंग अस, दैट इज इफ वी स्टार्ट बीइंग माइंडफुल. साइमा जू ना मुबशरा, आप ये मुबशरा मेरे साथ कोशिश करिएगा इंशाल्लाह. आज एक प्रॉमिस करेंगे हम आपस में इंशाल्लाह कि माइंडफुल, माइंडफुलनेस कोई रिलीजन नहीं है साइमा, मैं पहले भी जिक्र करती रही हूँ इस चीज का. ये सिर्फ एक कॉन्शियस एक स्टेट है इंसान की, कि जिसमें हम अपने करंट सर्कमस्टांसेस को ना साइमा एक्सेप्ट कर लेते हैं. जब हम उस एक्सेप्टेंस और रिकग्निशन में आ जाते हैं ना कि भाई ठीक है, ये हमारे रिसोर्सेज है, ये हमारा सिचुएशन है, अब या तो हम इस सिचुएशन को चेंज करके टर्न अराउंड कर देंगे
या ये चैलेंजेस से डील करेंगे। तो आज एक छोटी सी टिप ये जिससे मैं शुरू करना चाहूंगी। जी साहिबा। अच्छा, तो दूसरा, एक तो प्रॉमिस हमने आपसे ले लिया है, दूसरा ये कि आई वांट, बिकॉज आई नो यू अदरवाइज एज वेल, यू आर अ पोटेंशियल पर्सन एंड वी कांट, यू कांट से दिस टू योरसेल्फ दैट यू आर लूजर, यू आर नॉट अ लूजर, ट्रस्ट मी, यू हैव अ लॉट ऑफ पोटेंशियल। अगर जरूरत है तो आओ, हम मजीद इस बारे में बात करेंगे एंड वी विल टेक अ वे फॉरवर्ड फॉर यू एंड वी विल गाइड यू कि किस डायरेक्शन में स्टार्ट करना है। तो वी आर ऑलवेज देयर फॉर यू। You are more than welcome to call us anytime and talk to us about it. Anytime. Okay, there's another question, Zora, which is like, hey, Saima, can you suggest ways to bring children back to learning, as neither are they inclined towards learning, nor am I too enthralled to teach them anything. So actually, Sabuhi, let me tell you one thing, ke teaching is something that comes from within. It should be a passion. ठीक है ना। अब टीचिंग पे हमारे पास, हम दो जगह से फेल हो रहे हैं। एक तो ये कि या तो हमें टेक्निकली बहुत सारी डिफिकल्टीज आती है जो कि हमें डराती है, ठीक है, सो वी नीड टू अपग्रेड आवर सेल्फ ऑन टेक्निकल स्किल्स। दूसरी चीज ये देखिए, कंटेंट नॉलेज इज नॉट अ क्वेश्चन मार्क, कंटेंट नॉलेज इज नॉट अ क्वेश्चन मार्क, द ओनली टू क्वेश्चन मार्क, एक ये कि मुझे जो है टेक्निकल स्किल्स नहीं आती, कोई ग्लिच आ गया तो क्या हुआ, ट्रायल एंड एरर से ही सीखेंगे, हम भी सीख रहे हैं, वो भी आपके गैप्स हैं एंड इफ यू वर्क ऑन दीज गैप्स आई थिंक यू विल बी एबल टू डू इट वेरी इजीली। और एक और चीज बड़ी प्यारी सायमा आपने बात शेयर की कि जिसमें जिसके अंदर बड़ी अच्छी दो चीजें आ गई हैं, जिसमें हम सेल्फ कॉन्फिडेंस और सेल्फ असेसमेंट की बात कर रहे हैं ना, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की बात कर रहे हैं कि हम अपने आप की स्वॉट एनालिसिस, जिसमें हम अपने स्ट्रेंथ्स, वीकनेसेस और अपॉर्चुनिटीज को देखें कि भाई दोबारा से एक दफा री एनालाइज कर लें कि भाई ठीक है हम किधर खड़े हैं और किधर लग रहा है कि हम जा सकते हैं। और एक और एक छोटी सी चीज है सायमा, इसी थॉट पे आपके ऐड करना चाहूंगी कि जो हमारा माइंडफुल एफर्ट है टू स्टे पॉजिटिव, वो भी बहुत दफा जो है सायमा आप अग्री करोगे, लोग कहते हैं कि ये हर वक्त तो नहीं रहा जा सकता। जोरा कैसे कह देती हैं आप ये, है ना, कि ये ऐसी कैसी चीज है कि आपको लगता है कि 24/7 इसी मोड में रह सकते। तो इस सवाल के जवाब में मैं यहाँ पे जैसे आप नॉट कर रही हैं, हर वक्त नहीं रहा जा सकता ना, लेकिन वो जो सेल्फ स्टार्टर स्विच होता है सायमा, जिसका हम लोग यूजुअली बात करते हैं हमेशा जब हम लोग होते हैं अपने सर्कल्स के अंदर, कम्युनिटी डेवलपमेंट सर्कल्स में, वो स्विच इन एनी केस ऑन एंड ऑफ का यहाँ से हमारे पास है ना, अपने पास मुबशरा, तो हमारे अपने पास है ये, तो उसको इंशाल्लाह ट्राई करेंगे आज किसी तरीके से। अस्सलाम वालेकुम, उसको ट्राई करेंगे हम लोग इंशाल्लाह, उस स्विच को टर्न ऑन कर लें। बिल्कुल ठीक अदील, गुड टू हैव यू, वेलकम, प्लेजर सीइंग यू, सॉरी फॉर बीइंग लेट, दैट्स परफेक्टली, आई सॉ द डिस्कशन, इट वाज गोइंग अमेजिंग, कैरी ऑन। अच्छा थैंक यू, सुबुनी इज सेइंग थैंक यू सो मच एंड सो इज मुबशरा हैप्पी अबाउट द सजेशन दैट दे आर गेटिंग एंड आई एम ग्लैड कि पीपल आर यू नो कंट्रीब्यूटिंग टू द प्लेटफॉर्म एंड यू आर जॉइनिंग अस, यू हैव योर क्वेश्चन टू रेज। अच्छा अभी तक तो हमने बात की एजुकेशन सेक्टर की और कॉन्फिडेंस की भी बात की जोरा, देखिए कॉन्फिडेंस अगर आपको स्किल्स आपको हर्ट कर रहे हैं तो कॉन्फिडेंस तो शेकी होगा, स्किल्स पे काम करना होगा, कॉन्फिडेंस टाइम आपको इतना गैप इतना मिला हुआ, अपने आपको अपग्रेड करो बजाय इसके कि सोच रहे हो कि सैलरी मिलेगी या नहीं मिलेगी, स्कूल रहेगा नहीं रहेगा, बच्चे स्कूल जाएंगे नहीं जाएंगे, हम पढ़ाएंगे नहीं पढ़ाएंगे। आई थिंक इट्स टाइम टू अपग्रेड आवर सेल्फ ताकि जो भी आगे कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं एटलीस्ट उसको अपने आपको उसके लिए प्रिपेयर करें बजाय इसके कि डर के भेजे नहीं होने वाला है। सो आई थिंक एक तरीके से यार ये जो टाइम है मेरे ख्याल अदील आप भी अग्री करेंगे दैट दिस इज द राइट टाइम, जिस वक्त हम लोगों की ये लॉकडाउन के अंदर हम और क्वारंटीन के अंदर हम जो है जिस वक्त है जिसके अंदर हमारी और एक्टिविटीज लिमिटेड और रिस्ट्रिक्टेड हो गई है अदील, उस टाइम पे अपनी स्किल डेवलपमेंट पे काम करना, सायमा वेरी राइटली सेड, और ऐसी चीजें करना जिसके साथ हम अपने वो गैप्स या वो चीजें जिससे हमें हिंड्रेंसेस लगता है या ब्लॉक वॉल्स लगती हैं जो आ रही हैं वो कवर करने के लिए दिस इज द राइट टाइम इन ऑल ऑनेस्टी। कोई वाली बात है, आई थिंक द डायरेक्शन अगर आपको मिल जाता है ना कि भाई
मुझे कुछ करना है, तो आई थिंक दैट ऑल्सो मेक सेंस कि अगर एक डायरेक्शन मिल जाए कि भाई ये करना है तो इसके लिए ये सीखना जरूरी है, तो लेट्स ट्राई दैट थिंग आउट. अगर आपको कोई चीज ड्राइविंग फोर्स चाहिए तो फाइंड आउट द ड्राइविंग फोर्स, पैशन क्या है आपका. मे बी दैट आदिल, वुड यू लाइक टू से समथिंग ऑन दैट? जी बिल्कुल सही बात बोली आपने, आपने के जो है वो ड्राइविंग थोड़ा सा पंच चाहिए जिसके थ्रू जो है लोग आगे बढ़ना चाहते हैं. कुछ सेल्फ स्टार्ट, देखो दो तरह के लोग होते हैं, एक पुल स्ट्रैटेजी के थ्रू काम कर रहे होते हैं, एक पुश स्ट्रैटेजी के थ्रू काम कर रहे होते हैं. अनफॉर्चुनेटली हमारा डिलेमा ये है कि हम पुश स्ट्रैटेजी के थ्रू करते हैं, कंसिडरिंग द बैंड वैगन इफेक्ट के जब एक कर रहा होता है तो दूसरा भी वो करे, तीसरा भी वो करे, एंड सो फोर्थ. बहुत कम लोग ऐसे हैं जो इनिशिएट करते हैं, दे आर वन ऑफ द लीडर्स और द ट्रेंड सेटर्स जहाँ पे वो कुछ नया करने की कोशिश करें. आई वॉज वॉचिंग द वीडियो अभी थोड़ी देर पहले, तकरीबन 15-20 मिनट पहले, बड़ी मजेदार वीडियो थी. और उस वीडियो का तीन हिस्सों में वो डिवाइडेड था. नंबर वन के वी नीड टू एक्सेप्ट दैट हमारी फिजिकल मूवमेंट अगले 2 साल में बहुत लिमिटेड होगी, चाहे और वो इम्पैक्ट करेगी कपल ऑफ इंडस्ट्रीज को, जिसमें टूरिज्म है, जिसमें ट्रैवल है, जिसमें एजुकेशन है, जिसमें होटलिंग है, जिसमें एयर ट्रैवल है, ये सारे इंडस्ट्रीज हैं जहाँ, जिसमें सिनेमाज हैं, जिसमें कॉन्सर्ट्स हैं. वहाँ हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि अगले 2 साल में इंडस्ट्रीज बहुत स्लो चलेंगी या हो सकता है ना भी चले. नंबर टू उस वीडियो का पार्ट ये था, कि हम सब जो है वो फाइनेंशियल लॉस बेयर करेंगे. फाइनेंशियल लॉस मीन्स द रिडक्शन इन द सैलरी, द रिडक्शन इन द बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट, द रिडक्शन इन द इनफ्लो ऑफ द अमाउंट. मैग्नीट्यूड सबका डिफरेंट होगा, डिप आना सबका है. बट द क्वेश्चन जो थर्ड पार्ट उस वीडियो का बड़ा मजेदार था, कितना जल्दी हम उससे रिकवर कर पाते हैं. और उन्होंने रिकवरी की बड़ी अच्छी चीज स्ट्रैटेजीज बताई थी. नंबर वन स्ट्रैटेजी, आइडेंटिफाई योर इंटरेस्ट, के वो आपका इंटरेस्ट क्या है. अगर आपको आपका इंटरेस्ट पता है, पैशन पता है, जो चीज़ आपको खुश करता है, जो आपको रात को सुकून की नींद देता है, उसकी स्किल डेवलप करें, नंबर वन. नंबर टू ये कि लिंक्डइन पे, सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे, जहाँ पे हम कहते हैं हम सोशल डिस्टेंस, इट्स नॉट सोशल डिस्टेंस, इट्स सोशली मोर कनेक्टेड, आइडेंटिफाई द राइट स्टेकहोल्डर. जी बच्चे ज्यादा एक्सपर्ट है, वो ऑलरेडी सोशल मीडिया पे इतने जोर से कनेक्ट हुए हैं कि हम ही रहने हुए खाली, वो तो उनको तो कोई घबराहट नहीं है. तो बात ये कि नंबर टू ये कि आप उन लोगों को ढूंढें, उन लोगों को फ्रेंड्स बनाइए फेसबुक पे, लिंक्डइन पे, उनकी वीडियोस देखिए, यूट्यूब चैनल्स पे सब्सक्राइब कराएं, जो आपके इंटरेस्ट से अलाइन करती है और जो आपको हेल्प करेंगे जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए. बिकॉज योर बेस्ट फ्रेंड्स आर विंग्स एंड दे विल हेल्प यू फ्लाई. एंड नंबर थ्री, ये उसमें उस वीडियो का बड़ी आखिरी चीज उन्होंने लिखी थी कि वंस यू आर डन विद, जब आपने स्किल भी पॉलिश कर ली और फ्रेंड्स भी आइडेंटिफाई कर लिए, स्टार्ट टेकिंग द मल्टीपल इनिशिएटिव्स एट द सेम टाइम, एट द सेम पॉइंट इन टाइम. रीजन बीइंग व्हाई, बिकॉज़ दिस विल बी द न्यू नॉर्मल एंड दीज विल बी द इंडस्ट्रीज व्हिच विल ओपन अप मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज फॉर इंडिविजुअल एंड दैट विल सेट द ट्रेंड फ्रॉम ईयर टू ऑनवर्ड्स टिल अनलिमिटेड टाइम पीरियड. बहुत सारे ऐसे करियर हैं, डिजिटल मार्केटिंग का करियर है, इसी तरह से सोशल मीडिया मार्केटिंग का करियर है, इसी तरह से कोडिंग का करियर है, इसी तरह से ऑनलाइन एजुकेशन का करियर है. ये वैसे करियर हैं जिनको हमने शायद अंडरमाइन किया हुआ था. अब जब नीड पड़ी है ना, तो हर कोई ऑनलाइन एजुकेशनिस्ट की तरफ भागेगा, हर कोई डिजिटल मीडिया मार्केटर की तरफ भागेगा, हर कोई ऑनलाइन कनेक्शन प्लेटफॉर्म्स बनाने की कोशिश करेगा. तो जब वो लोग कोशिश करेंगे, इससे पहले आप अपने आप को अडॉप्ट कर लें एंड जहाँ पे आपका फाइनेंशियल डिप आया था उसको रिकवर करें. जहाँ पे आप मेंटली डिस्ट्रेस थे, जो जोरा ने बड़ी अच्छी बात की माइंडफुलनेस की, वो खुद ब खुद आपकी स्टेबलाइज हो जाएगी. एंड दिस वॉज बेसिकली द समरी ऑफ दैट 5-6 मिनट वीडियो. बिल्कुल. एंड सेकंडली इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू स्टे पॉजिटिव. जो आपने कहा कि यू नो गोइंग ऑन फेसबुक एंड कनेक्टिंग टू पीपल हु मे डायरेक्ट यू टुवर्ड्स योर पैशन, आपको पता है कि आई हैव सीन सो मेनी फेसबुक पेजेस जहाँ पे डिप्रेशन की कंटिन्यूसली डिस्कशन चल रही है, सैलरी नहीं मिली, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, स्कूल ये कर रहा है, स्कूल वो कर रहा है. आर वी एवर थिंकिंग इन टर्म्स ऑफ बेनिफिट ऑफ डाउट? क्या हमने कभी सोचा कि ऐसा क्यों हो रहा है? शायद उनके पास कोई मेजर डिस्ट्रेस हो, शायद वो ज्यादा क्राइसिस में हो. और दूसरा, एज यू सेड कि हम फाइनेंशियल डिप में आएंगे, तो फाइनेंशियल डिप के साथ उसका भी एक पॉजिटिव पॉइंट ऑफ व्यू है कि हमारे एक्सपेंसेस भी तो उसी तरह से कवर होंगे ना. हमने अपनी बहुत सारी
पे हमने खुद भी तो कवर करना शुरू किया है। मैं सायमा एक बड़ी अच्छी बात की थी, उन्होंने दो ब्रांड्स के नाम लिए थे उस वीडियो में, दो तीन ब्रांड्स के, जैसे हमारे पास स्टारबक्स है, जारा है, गुची का ब्रांड है, इस तरह के और बहुत सारे ब्रांड्स हैं। उन्होंने कहा दिस इज नॉट द टाइम पीरियड टू बाय दोस ब्रांड्स, यू नीड टू रीशिफ्ट एंड रीपोजिशन द प्रायोरिटी ऑफ योर शॉपिंग लिस्ट एज वेल। आपके लिए इस वक्त हार्ड कैश होना बहुत जरूरी है। जब आप अपने उस ईगोइज्म को हटाएंगे ना ब्रांड से, तो खुद ब खुद आपका मेंटल पीस आएगा और खुद ब खुद जो है वो आपका स्ट्रेस वाला फैक्टर जो है ना वो हट जाएगा। बिल्कुल, जरा से मैं मैसेजेस ले लूं। जी बिल्कुल, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। प्रोफेशनल डेवलपमेंट ही सेज इज की। गुड न्यूज इज दैट देयर सो मेनी रिसोर्सेज अवेलेबल व्हिच आर इजीली एक्सेसिबल। बिल्कुल सही। सबीना खत्री हैज जॉइंड अस। हेलो सबीना, हाउ आर यू? थैंक यू सो मच एवरीबॉडी फॉर टेकिंग आवर टाइम। थैंक यू सायमा फॉर जॉइनिंग अस। एक और चीज मैं ऐड करना चाहूंगी टू दिस वेरी माइंडफुल डिस्कशन दैट वी आर हैविंग टुडे, वो ये कि इन सारी बातों के साथ हम हमारा फोकस इस प्लेटफॉर्म पे जो हमने क्रिएट किया है वो यही है कि हम चाहते हैं कि हम सॉल्यूशन हाईलाइटिंग, प्रायोरिटाइजिंग और वे फॉरवर्ड की बात करें। हम चाहते हैं कि हम डिस्कस करें वो प्रोज एंड कॉन्स जो वे फॉरवर्ड डिजाइन करने में भी आते हैं। हम चाहते हैं, हम तीनों चाहते हैं, हम सब चाहते हैं कि हम इस प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करें आप लोगों के साथ, हमारी ऑडियंस के साथ, हमारी कम्युनिटीज के अंदर, हमारे डेवलपमेंट सर्कल्स के अंदर, कि इसको इस प्रोग्राम के थ्रू हम ये डिस्कशंस ओपनली कर सके कि हम किस तरह से अब अपने वे फॉरवर्ड्स के साथ चलेंगे आगे। आज के जो हमारे प्रोग्राम का एजुटेक द न्यू नॉर्मल का जो हमने एक एक खास पर्सपेक्टिव उठाया है वो है एक स्पेशल चीज के लिए, विच इज द ऑनलाइन एजुकेशनल फैसेट, जो लर्निंग एंड डेवलपमेंट कंप्लीटली एज अ पैराडाइम शिफ्ट अब आ गई है ऑनलाइन बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट वी आर ऑल ग्लोबली फेसिंग द पैंडेमिक। उसके रिगार्ड्स में हम यही देख रहे हैं और अभी हम इंशाल्लाह आगे अदील और सायमा आप लोग भी अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू इस चीज को लेकर शेयर करिएगा कि जो अब हम ऑनलाइन पैराडाइम शिफ्ट की बात कर चुके हैं, लर्निंग चाहे कॉर्पोरेट सेक्टर है, लर्निंग एंड डेवलपमेंट की बात है, मैनेजमेंट ऑफ टीम्स की बात आ रही है, तो एजुकेशन या लर्निंग एंड डेवलपमेंट अब एक स्पेसिफिक बॉक्स के अंदर नहीं है। इट्स गॉटन आउट ऑफ हैंड नाउ। वी आर टॉकिंग अबाउट ओवरवेलमिंग डिजिटल टेक्नोलॉजीज, वी आर टॉकिंग अबाउट ओवरवेलमिंगली सिचुएशंस वेयर वी हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल। और जहां फियर की बात आ रही है, वहां फियर सिर्फ इसलिए आ रहा है कि जैसे सायमा आपने जिक्र किया थोड़ी देर पहले कि अगर मैंने ये मोड इस्तेमाल कर लिया और ना चला फिर क्या होगा। बिल्कुल, तो उससे रिगार्डिंग थोड़ा सा आप दोनों का फीडबैक मैं यहाँ शामिल करना चाहूंगी ताकि जो लोग हमें ज्वाइन कर रहे हैं, आई एम श्योर सब जो है वो ऑनलाइन लर्निंग एंड डेवलपमेंट पैराडाइम शिफ्ट के जाविये से भी एक्सपीरियंसेस और वे फॉरवर्ड्स जानना चाहेंगे। यस सायमा, लेट्स स्टार्ट विद यू। सी द फियर इज देयर, ठीक है ना, जब तक जो चीज हम इस्तेमाल नहीं करते तो फियर तो रहता है। कुछ चीजें हमें व्हाट्सएप किसने सिखाया? किसी ने सिखाया आपको? किसी ने सिखाया था ज़ोरा व्हाट्सएप? नहीं, खुद से सीख लिया था डाल के फोन में। 90% लोग यहाँ पे, मैं सबसे पूछूंगी, आप लोग किसी ने व्हाट्सएप या फेसबुक किसी ने सिखाया था या आप लोगों ने खुद सीख लिया? हेलो तुबा, हेलो मिस्टर अब्दुल रऊफ खत्री, तो मुझे ये बताएं कि आप लोगों को किसी ने व्हाट्सएप या फेसबुक किसी ने सिखाया था? यार मेरे ख्याल से तो किसी को भी नहीं सिखाया होगा, सब सेल्फ लर्नर्स होंगे यहाँ पे टेक्नोलॉजी के लिए, ठीक है ना। अब वो जरूरत होती है ना, कहते हैं वो जरूरत इजाद की माँ होती है, तो यहाँ पे भी जरूरत हो गई है, ठीक है। सीखना है, तरीके 10,000 हैं, रिसोर्सेज 10,000 हैं, एक दफा जो है वो खुद से एक्सप्लोर करने की कोशिश करनी है, एक दूसरे के साथ करके देखने की जरूरत है। और यकीन करें, कोई टेक्नोलॉजी को तो हम पता है क्या कहते हैं, इडियट बॉक्स। मेरा तो फोर्टी टेक्नोलॉजी ट्रेनिंग में, तो वो हम तो कहते हैं इट्स एन इडियट बॉक्स, जितना आप बोलोगे वो उतना करेगा, सही है ना। उससे आगे उसने करना नहीं, उससे आगे उसने करना नहीं है, तो डर जो है उसको निकाल के बाहर फेंके। एक क्वेश्चन हमारे पास ये भी आया था कि ऑनलाइन टीचिंग का फ्यूचर क्या है, ठीक है। अगर मैं ये इस सवाल के अगेंस्ट ये सवाल पूछ लूं कि ऑनलाइन टीचर ही टीचिंग ही फ्यूचर है, तो फिर
बड़ा अच्छा सवाल है, बड़ा अच्छा सवाल है। और इसी बात पे अगर बजाय इसके कि ये सोचा जाए कि ऑनलाइन टीचिंग का क्या फ्यूचर है, थोड़ी देर के लिए यही सोच के चल ले कि भाई ऑनलाइन टीचिंग ही फ्यूचर है, और प्लीज उस डायरेक्शन, इट इज टू लेट, देयर इज नो हार्म, एक स्किल ही सीखेंगे ना आप, कोई बात नहीं। नहीं तो और एक और चीज का जो अब अच्छा ठीक है, अब जब ये बात कर रहे हैं ना अदिल, अभी आप भी इसमें ऐड करिएगा, फिर इसके बाद एक और सवाल आ जाता है बड़ा अच्छा सा कि अब सब लोगों के साथ हर इंसान अपने एक्सपीरियंसेस और सपोर्ट सिस्टम उस तरह शेयर भी नहीं कर पा रहा, ठीक है ना। तो ये प्लेटफॉर्म अदिल जिस वजह से हमने डेवलप किया है और जिस तरफ हम इसको लेके जाना चाह रहे हैं, उसके ऊपर आप अपना जरा थोड़ा सा प्लीज शेयर करें कॉमेंट। जिस प्लेटफॉर्म की तरफ हम जा रहे हैं और जो हमारा पूरा एक्सपीरियंस अभी तक हुआ है, वो लोग कोशिश करें उसको अडेप्टेबल करने की कोशिश करें, चीजें सीखें, बट कहीं ना कहीं लोगों में थोड़ी सी झिझक है अभी भी। वो शायद टेम्परेरी सीख रहे हैं, टेम्परेरी सीखने सोच ये सोच रहे हैं कि हमने टेम्परेरी सीखना है ताकि फेज निकल जाए, बट वी नीड टू अंडरस्टैंड कलेक्टिवली कि ये फेज जब गुजर भी जाएगा उसके बाद वो स्किल आपको लॉन्ग टर्म में हेल्प आउट करेंगी। Yeah, absolutely. This is here to stay for the longer time period. And more importantly, अगर हम बात करते हैं, Zora, आपका आवाज आ रही है? Zora, आपका माइक म्यूट हो गया, मगर ठीक है? जी मैंने माइक दिया। तो बात यही है कि जब हम न्यू स्किल सीखने की कोशिश करेंगे तो हम उसी को इम्प्लीमेंट करेंगे फॉर अ लॉन्गर टाइम पीरियड। हमारा मसला ये है कि एज अ सोसाइटी अगर हम बात करें, हम समझ रहे हैं कि हम टेम्प्रेरी सीखेंगे और इससे फेस के थ्रू निकल जाएंगे। हमें एक चीज रियलाइज करने की जरूरत है कि ये स्किल हमें जो है हमें और हमारे बिजनेसेस को, हमारी जॉब्स को ही सपोर्ट करेगा लॉन्ग टर्म में। देयर इज नो हार्म इन लर्निंग द न्यू स्किल। एंड सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज दैट कि आप ये देखें कि पाकिस्तान जो है, अभी रिसेंट रिसर्च में आया है ये कि पाकिस्तान इज द फोर्थ नंबर पे फ्रीलांस नेशन इन द वर्ल्ड है। जब पाकिस्तान फोर्थ नंबर पे फ्रीलांस नेशन इन द वर्ल्ड है बिफोर द पेंडेमिक, तो सी द पोटेंशियल प्रिवेलिंग इन द कंट्री। तो हम अगर पॉपुलेशन वाइज फिफ्थ पे है और फ्रीलांस जो है वो फोर्थ नंबर पे आ चुका है, दैट मीन्स वी आर, कुछ पोटेंशियल है तभी तो वो लोग कर रहे हैं ना। अब जब पेंडेमिक आ गया है तो ये नंबर हो सकता है और भी बढ़े, एंड वी माइट जंप टू थर्ड नंबर और सेकंड नंबर। एक वेबसाइट यहाँ मैं कोट करना चाहूंगा, अपवर्क के नाम से, जरूर जाइए उसको एक्सप्लोर कीजिए। वहाँ पे बहुत सारे हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ डोमेन्स हैं, प्रोपोजल राइटिंग से लेकर कॉन्टेंट डेवलपमेंट से लेकर बहुत सारी चीजें हैं, आप जाकर एक्सप्लोर कर सकते हैं और देखें अपने आप को किस चीज में रजिस्टर कराना है। प्रोजेक्ट्स लेना शुरू करें, $5 के, $10 के, $20 के, $50 के, और प्रोजेक्ट जब आप जितने ज्यादा लेंगे उतना ज्यादा ही आपको एक्सपोजर मिलता चला जाएगा और आप अपने आप को ना सिर्फ लोकल मार्केट में बल्कि इंटरनेशनल मार्केट में मनवाना शुरू कर देंगे। मैंने एक चीज की है कि आई स्टार्टेड मेकिंग द इंटरनेशनल फ्रेंड्स ड्यूरिंग दिस पेंडेमिक थ्रू द सोशल मीडिया। और मैं, क्योंकि आपको पता है सोशल सेक्टर की ट्रेनिंग्स भी एक मेरा फोटे है, तो मैंने जब इंटरनेशनल फ्रेंड्स बनाना शुरू किए, उस इंटरनेशनल फ्रेंड्स बनाने की वजह से मुझे वहां से प्रोजेक्ट खुद ब खुद आना शुरू हो गए, क्योंकि उन्होंने कहा आप प्रोफाइल शेयर करें, आप अपनी कंपनी की प्रोफाइल शेयर करें। जब उन्होंने मेरा काम देखा, चीजें देखी, एंड नाउ वी आर अंडर डिस्कशन कि हो सकता है ऑनलाइन बेसिस पे कुछ ना कुछ हेल्प आउट करें, फैसिलिटेट करें उनको या उनके प्रोजेक्ट को जब पाकिस्तान में इम्प्लीमेंट करें। तो दैट्स एन अमेजिंग एक्सपीरियंस व्हाट वी कैन एक्सप्लोर इट। आप फेसबुक पेज भी, आप उस पर भी जा सकते हैं, आप वेबसाइट पे भी जा सकते हैं, और टेडेक्स पे जब आप जाएंगे, जब फ्रीलांसिंग लिखेंगे तो फ्रीलांसिंग की स्ट्रेटेजीज बहुत सारी आ जाएंगी, टेडेक्स पे भी आ जाएंगी और यूट्यूब पे भी आ जाएंगी। तो इट्स नॉट डिफिकल्ट। एक और चीज ये, फाइवर भी है बिल्कुल, और एक और चीज ये कि डिजी स्किल्स हमारे गवर्नमेंट का फ्री ऑफ कॉस्ट प्लेटफॉर्म है जहाँ पे बहुत सारी स्किल्स सिखाई जा रही हैं, जिसमें से एक स्किल जो है वो फ्रीलांसिंग की भी है। तो मेरा मशवरा ये है कि डिजी स्किल्स पे रजिस्टर कीजिए, अपनी स्किल्स को सीखिए और देखें कि किस में मजा आता है आपको, फिर उसका करियर, साइड करियर करने में कोई हर्ज नहीं है। बिल्कुल,
कुछ लोगों ने अभी भी ये बात रेस की है कि इट इज नॉट अबाउट द स्किल, वी हैव द स्किल्स बट वी आर नॉट विलिंग टू टीच. तो मेरा जो रिस्पॉन्स होगा इस बारे में, और कुछ लोगों ने ये भी कहा है, तुबा जैसे कह रही है कि आई रियली एंजॉयड ऑनलाइन टीचिंग पार्ट, तो इट्स ऑल अबाउट यू नो हाउ यू फील पैशनेट अबाउट इट. सेकेंडली ये तो हम एक ये भी सोचते थे कि भाई हमारे बच्चों के पास रिसोर्सेज नहीं है, हमारे बच्चे ऑनलाइन नहीं आ रहे, हमारे बच्चे ये नहीं कर रहे, हमारे बच्चे, हम वीकनेसेस की बात करते, फॉरगेट अबाउट द वीकनेसेस, टॉक अबाउट द स्ट्रेंथ्स. ये हमेशा का एक रूल बना लें कि स्ट्रेंथ्स क्या है, हैप्पीनेस क्या है, इसमें पॉजिटिव बातें क्या है. आप यकीन करें, आपने एक अच्छा सेशन दिया, आपने एक अच्छी ऑनलाइन क्लास करवाई, यकीन करें नेक्स्ट क्लास में आपका नंबर बढ़ा हुआ होगा, उसकी नेक्स्ट क्लास में और भी नंबर बढ़ा हुआ होगा. ऑटोमेटिकली पीपल विल, योर स्टूडेंट्स विल से कि ये टीचर ही बेस्ट है, वो तो ऑनलाइन ही हो या कहीं भी हो पढ़ाई लेती है हमें. मैं एक मजे की बात बताऊं, माय वाइफ इज टीचिंग इन अ स्कूल, ही इज टीचिंग केमिस्ट्री टू ओ लेवल्स. स्कूल्स बंद है आजकल, अब सारे टीचर्स परेशान है, हाई सैलरी आएगी कि नहीं आएगी, अब क्या करें. अच्छा, उसने क्या ये ट्रिक ये प्ले की कि उस एक दो लोगों ने अप्रोच किया ऑनलाइन टीचिंग के लिए, उसने कहा चलो मैं ट्राई करती हूँ. बहुत सालों से प्लान था, एग्जीक्यूट नहीं हुआ था. उसने एक बच्चे को ट्यूशन दी, दूसरे बच्चे को ट्यूशन दी, तीसरा ऑन बोर्ड आ गया, करते करते पिछले एक महीने में 5-6 बच्चे ऑनलाइन ट्यूशन से आ गए. तो जहाँ लोगों की इनकम नीचे जा रही है, मैंने कहा तुम्हारी तो इनकम ऊपर जा रही है, क्योंकि तुमने वो न्यू टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट किया, न्यू सिस्टम को अडॉप्ट किया, और जहाँ पे एक बैरियर था कि फेस टू फेस में ट्यूशन नहीं परमिशन थी, वो ऑनलाइन के थ्रू जो है, नाउ शी इज गिविंग इट वेरी सक्सेसफुली. सो इट्स ऑल अबाउट द पैशन. इट वाज समथिंग इनसाइड हर कि व्हिच मेड हर कि नहीं मुझे करना है, मैंने नहीं बैठना, मैंने करना है. सो दैट शुड कम. आप किसी भी तरीके से, किसी भी चैनल से, अपने फेसबुक पेज से, कहीं से भी रीच करने की कोशिश करें, आपका पोटेंशियल आइडेंटिफाई होगा. अगर आप इतने पोटेंशियल टीचर हैं, कोई भी स्कूल आपको जाने नहीं देगा. बस आपने सोचना है कि आप ऑनलाइन कैसे. अच्छा, एक और अब इसके अंदर एक और एक डिलेमा है जो हम सब जानते हैं कि हो रहा है. जो रिसोर्सेस की अवेलेबिलिटी है साइमा और अदी, सब लोगों के पास वो रिसोर्सेस अवेलेबल नहीं है कि जिसमें हम ये कहें कि जी आईपैड सबको अवेलेबल है, इंटरनेट कनेक्शन विदाउट ब्रेकेज क्या सबको अवेलेबल है. तो जब हम एड्यूटेक की बात कर रहे हैं, नाउ दैट एवरीथिंग इज ऑनलाइन, हमारे यहाँ पाकिस्तान में आबादी आधी जो है वो ऐसी है जो कि रिसोर्सेस तक नहीं पहुंच सकती है ना. और उस उसको फिर आपको क्या लगता है, उस व्हाट इज द बेस्ट वे टू एड्रेस देन दोज इश्यूज, इंस्टीट्यूशंस दैट आर फेसिंग सच डिलेमास, उनके लिए बेहतरीन वे फॉरवर्ड क्या बता सकते हैं हम लोग आज तीनों, क्या अपने एक्सपीरियंसेस और लर्निंग्स उनके साथ शेयर कर सकते हैं. ज़ोरा, आई वुड अगेन से द सेम थिंग, इंस्टेड ऑफ थिंकिंग ऑफ द वीकनेसेस, हम अपने स्ट्रेंथ काम करें, अपनी अवेलेबिलिटी पे काम करें, इवेंचुअली ये सारी चीजें सॉल्व हो जाएंगी. देखिए, एक वो वक्त भी था कि जब ये रिमोट एरियाज में एजुकेशन हो ही नहीं रहा था, स्कूल्स बने, आहिस्ता आहिस्ता बने, और वहां पे एजुकेशन का सिस्टम स्टार्ट हुआ, ठीक है ना. तो जूम भी चल रही है क्लासेस, बिल्कुल जूम भी हो रही है. प्रॉब्लम को लेके आप बैठ नहीं सकते हो कि ये प्रॉब्लम है, हमारे बच्चे के पास चीजें नहीं है. अगर आप एक पैशनेट टीचर है, बच्चा अपना रिसोर्स, पेरेंट अपना रिसोर्स प्रिपेयर कर लेगा, और इंशाल्लाह चीजें बेहतर होंगी, क्योंकि हमने अब सोच लेना, एक्सेप्ट करना है ना कि यही फ्यूचर है. ठीक है भैया, मुझे बताएं जोरा ये बात, मुझे बताएं कि मैंने, मुझे याद है पहला मोबाइल फोन लिया था 3310 3310. आई एम श्योर आप लोगों का भी वही मोबाइल होगा. 2003 की बात है, उस वक्त नोकिया की डील थी, और मुझे अभी भी याद है अच्छे से, वो 4499 का पैकेज था. अब सवाल ये बनता है कि वो एक सॉर्ट ऑफ अ लग्जरी थी उस वक्त हमारे लिए, लेकिन हमें ये रियलाइज करना है जहाँ पे हम बुक्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं बच्चों की 2000 3000 4000, टैबलेट्स में, मोबाइल फोन्स में या गैजेट्स में इन्वेस्टमेंट स्पेंड करना भी इन्वेस्टमेंट है, नंबर वन. नंबर टू ये जहाँ पे कुछ लोगों ने कॉमेंट किया है इंटरनेट स्लो है, जहाँ पे कुछ लोगों ने कहा है कि गैजेट्स की अवेलेबिलिटी नहीं है, अभी जो अवेलेबिलिटी नहीं है वो पैसों की वजह से नहीं मसला है, अभी मसला ये है कि मार्केट्स बंद है. जब मार्केट्स खुलेंगी तो अल्टीमेटली एवरी इंडिविजुअल विल बी गेट कैरिंग द 6 इंच पीस गैजेट विद हिम और हर. थर्ड एंड द मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग इज कि इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स भी. जी जी बोले अनिल, इसका मतलब ये हुआ कि मैं आपकी इस चीज को सम करूं, अगर सम अप करूं तो मैं इसको ये आराम से अब कह सकती हूं कि इसका मतलब है, इफ वी आर सेविंग नाउ एट दिस पॉइंट इन टाइम, वी नाउ इन्वेस्ट इन स्ट्रेटजीज दैट आर गोइंग टू हेल्प अस गेट ऑनलाइन फॉर एजुकेशन. सो एवरीबॉडी हु जॉइन अस,
ये आपका सोल्यूशन वे फॉरवर्ड. अभी अदील ने जिक्र किया था जो हमारी प्रायोरिटी ऑफ स्पेंडिंग है, अब उस प्रायोरिटी का पैराडाइम भी उसी तरह शिफ्ट होना पड़ेगा जिस तरीके से हम इस वक्त फायर फाइटिंग का पैराडाइम शिफ्ट कर रहे हैं ना. अच्छा एक और चीज दोरा, बिल्कुल आपने सही बात बोली. एक और चीज मैं इसमें ऐड कर दूं, कुछ लोग कमेंट में भी लिखते हैं कनेक्टिविटी और शॉर्टेज और डिवाइसेस का इशू है इस वक्त. वो वक्त याद कीजिए जब हमने पहली दफा इंटरनेट यूज किया था, जब घर का फोन एंगेज होता था, डायलॉग होता था, 50 रुपए का कार्ड 2 मिनट 5 मिनट में खत्म हो जाता था, और हम जल्दी जल्दी ईमेल का कलरफुल कार्ड भेजते थे ईद पे कि हम ईमेल भेज रहे हैं. ईमेल भेजना एक लग्जरी होता था, ऐसा ही था. आज हम 4G और 3G में आ गए हैं, सर्विस बेटर हो गई है ऑब्वियसली, तो आगे भी हो जाएगी. कोई ले लेते हैं ना कि 3310 आप बोल रहे थे कि पहला डिवाइस था, क्या उस वक्त ये सोचा था कि हमारे हाथ में स्मार्टफोन होगा, एंड्रॉइड होगा हमारे हाथ में? आपके सर्वेंट के हाथ में जो है वो बेहतर फोन होता है आपसे. बिल्कुल बिल्कुल. एंड दे आर मोर मोबाइल रिलेटेड. देयर आर टू डेफिनेशंस वी नीड टू सी ओवर हियर ज़ोरा एंड साइमा, आप लोग दोनों एजुकेशनिस्ट हैं. एक डेफिनेशन है मोबाइल लिटरेसी की और एक है लिटरेट होने की. Now it's a time to blend these two things. Mobile literate वो है जिसको मोबाइल ऑपरेट करना आ रहा है, और इस वक्त लिटरेसी वो है जो obviously जिसकी educational qualifications या educational knowledge बढ़ती जा रही है. So this pandemic has brought in these two things, mobile literacy and literacy together. Exactly. जो लोग कह रहे हैं कि हमारे पास कनेक्टिविटी और लैक ऑफ डिवाइसेस है, लैक ऑफ डिवाइसेस नहीं है, लैक ऑफ मोटिवेशन है, लैक ऑफ अवेयरनेस ऑफ यूजिंग दैट डिवाइस है. तो कोशिश करें कि वो अवेयरनेस क्रिएट करने की कोशिश करें, ट्राई रीचिंग द पेरेंट्स फर्स्ट. अगर आपने बच्चों तक पहुंचना है, पहले आपको बच्चों से पहले पेरेंट्स को पहुंचना पड़ेगा और वहां से काम शुरू करना पड़ेगा. सो स्कूल एक और चीज मैं ऐड करना चाहूंगी यहाँ पे, ऑल ऑफ द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस जो के प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं या ऐसे कोई भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो के फाइनेंशियली इस वक्त वो इस्तेतात रखते हैं कि वो इस वक्त राशन और खाना पीना और चीजें प्रोवाइड कर रहे हैं लोगों को, आई फील जो अच्छे लेवल के ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो ये इस चीज के लिए फंड्स निकाल सकते हैं, वो इस चीज में बहुत हेल्प कर सकते हैं साइम और अदील, कि जहां पे अगर यहाँ जैसे अब्दुल रऊफ साहब ने मेंशन किया कि डिवाइसेस की कमी है, शॉर्टेज है अगर लियारी में, तो अगर कोई भी इंस्टीट्यूशन वॉलंटियर करता है अदील साइमा कि हम अगर कोशिश करके इस किस्म के रिसोर्सेज भी जमा करें, क्यों अवेयरनेस पहले बिल्डअप हो जाए, ठीक है हमें डिवाइसेस की भी जरूरत है. अगर हम एजुकेशन की बात कर रहे हैं, ऑनलाइन आने की बात कर रहे हैं, इस तरह से तो प्राइम मिनिस्टर साहब ने माशाल्लाह ही डन अ ब्रिलियंट जॉब गेटिंग एन ऑनलाइन चैनल फॉर एजुकेशन. ये सब चीजें एजुटेक को प्रमोट करने के लिए है. लेकिन देखो मुझे तो ये बोले मेरे ख्याल से ये बहुत अच्छा टाइम है के पीपल हु हैव द एबिलिटी कैन ऑल्सो स्टार्ट नाउ मे बी प्रॉब्ली डोनेटिंग सच डिवाइसेस टू सच एरियाज वेयर वी कैन एक्सपेक्ट सम सॉर्ट ऑफ सपोर्ट सिस्टम. व्हाट डू यू थिंक? अग्रीड, बिल्कुल ऑर्गेनाइजेशंस को सपोर्ट करना चाहिए इस चीज की तरफ. हमारा काम है बीइंग एन एजुकेशनिस्ट उनके अटेंशन दिलवाएं ताकि जो है वो जो डिप्राइव्ड एरिया है या मार्जिनलाइज्ड एरियाज हैं उन लोगों को भी बेनिफिट हो. एक मल्टीपल पर्सपेक्टिव की बात की है. एक तो वो पर्सपेक्टिव है जहाँ पे हमारे पास लोगों के पास गैजेट नहीं है, यहाँ सेकंड पर्सपेक्टिव जो जुबैदा बात कर रही है कि गैजेट्स पेरेंटिंग इश्यू, स्क्रीन टाइम एंड कंटेंट कंट्रोल. तो यहाँ पे अगेन वही वाली बात है कि अगर आप इंटरनेशनल करिकुलम की बात करेंगे तो वहां पे भी एक जो है एक की फीचर है कि ई सेफ्टी के रूल्स पढ़ाए जाए. तो आपका पहला लेसन जो है वो ई सेफ्टी के बारे में हो, सिर्फ बच्चे के लिए ना हो, पेरेंट्स के लिए भी हो, कि ई सेफ्टी कंसर्न्स तो पहले आप केटर करें, उसके बाद आपका कंटेंट वगैरह जो है जो अवेयरनेस है वो ऑटोमेटिकली चीजें कंट्रोल में आ जाएंगे. अवेयरनेस की जरूरत है. प्रॉब्लम इंटरनेट नहीं है, प्रॉब्लम देखिए हर चीज का प्रो एंड कॉन होता है, हर चीज में अच्छी भी चीजें होती है, बुरी भी होती है. टीवी में भी अच्छी चीजें आती है, बुरी चीजें भी आती है. तो हम उसको कंट्रोल करते हैं क्योंकि हमें पता है कि हमें किस तरह से कंट्रोल करना है. सो यू नीड टू अपग्रेड योर सेल्फ एज अ पेरेंट एज वेल. अगर पेरेंट नहीं है तो स्कूल करवाए कि भाई ई सेफ्टी के कौन से ऐसे रूल्स हैं जो उन्होंने फॉलो करने हैं, अपने लिए भी, बच्चे के लिए भी, उसको अवेयरनेस भी फैलानी है, उसको दोस्त बना के चलना है. तो दिस इज समथिंग दैट नीड्स टू बी डिस्कस्ड एट एवरी लेवल बाय ऑल स्टेक होल्डर्स.
तो ये जो मसला है वो ऑटोमेटिकली कवर हो जाएगा। हम नहीं करते, हम ई सेफ्टी सोचते भी नहीं है। देर इज अ हेल लॉट ऑफ कॉन्टेंट अवेलेबल ऑनलाइन अबाउट ई सेफ्टी, के बच्चों को किस तरह से पढ़ाया जाए या बड़ों को किस तरह से उसकी अवेयरनेस दी जाए, सेशंस कैसे किए जाए। सो लुक इन टू दैट एंड व्हाट द प्रॉब्लम। मेरा एक सवाल है आप दोनों से, क्योंकि आप दोनों एजुकेशनिस्ट हैं और हम वे फॉरवर्ड की अब बात करेंगे मेरे ख्याल है, और वे बिल्कुल फॉरवर्ड पे मुझे जो चीज नजर आ रही है, यू हैव अ राइट टू अग्री और यू हैव अ राइट टू डिसएग्री एज वेल, मुझे जो चीज नजर आ रही है, इवन पेंडेमिक अगर एंड भी हो जाता है, हर चीज खुल भी जाती है, तो लोगों का काम करने का तरीका, लाइफस्टाइल, हर चीज चेंज हो जाएगी। गिविंग एन एग्जांपल, स्कूल्स का जो मुझे लग रहा है, हो सकता है जहाँ पे 5 वर्किंग वीक्स है, 5 डे वर्किंग वीक है, या ऑफिस का 5 डे वर्किंग वीक है, वो कम वर्क को 4 डे कर दें और एक दिन जो कहें कि हम डिजिटली कनेक्ट होंगे, या फिर जहाँ पे आपकी बिल्कुल 9 to 6 के टाइमिंग्स थे वो 9 to 6 से कम होके 9 to 3 कर दें, या फ्लेक्सी टाइमिंग्स बड़े आराम से ऑफिस वाले अडॉप्ट कर लें, स्कूल जो 9 से लेकर 2:30 बजे तक बच्चों को बिठा देते, या 8 से 2:30 बजे तक बिठाते थे, हो सकता है वो अपनी ऑप्टिमाइज करने के लिए 2 शिफ्ट की जगह वो 3 शिफ्ट में चलाना शुरू करते हैं स्कूल। दिस इज अ न्यू फॉर्मेट विच वी कैन ऑप्ट फॉर इट, क्योंकि जब हम बात करते हैं कि आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन बहुत ज्यादा हैं पाकिस्तान में, जो 25 मिलियन के करीब हैं, दिस इज अ न्यू फॉर्मेट जहाँ पे पहली शिफ्ट चलाए 8 से 11 तक, दूसरी चलाए 11 से 2 और तीसरी 2 से 5, और पार्शल कॉन्टेंट हम डिजिटल दें और पार्शल कॉन्टेंट हम फेस टू फेस दें, दिस माइट हेल्प इन ड्रॉपिंग द आउट ऑफ स्कूल स्टूडेंट्स रेशियो एज वेल। आप लोग का क्या ख्याल है, पहले दोनों आप बताएं और साइमा फिर आप बताएं। आई एग्री विद योर वेल एग्रीड है, यस सारा वेल एग्रीड है, और यही बात है कि क्रिएटिंग दैट राइट सपोर्ट सिस्टम आइदर इन द फॉर्म ऑफ पेजेस और इन द फॉर्म ऑफ सेशंस और इन द फॉर्म ऑफ आवर आइडेंटिटीज बीइंग समवेयर और द अदर टू फिल दीज गैप्स, शेयरिंग एक्सपीरियंसेस एंड शेयरिंग सॉल्यूशंस टुगेदर। बिल्कुल बिल्कुल राइटली सर। साइमा आप बताएं। देखिए वही वाली बात है कि मैं वापस पिछली वाली बात से अपने कनेक्ट करूंगी कि हम इतनी उस पे आ रहे हैं कि हम वापस बैक टू यू नो ओल्ड नॉर्मल, जिसको कह रहे हैं कि हम बैक टू ओल्ड नॉर्मल आ जाएंगे। देखिए जब तक हम इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि ये न्यू नॉर्मल है, क्या हम उसके उसकी डायरेक्शन में काम करना शुरू करेंगे? अगर मुझे पता है कि सर नहीं हो सकता तो मैं क्यों मेहनत कर रही हूँ, नहीं करूंगी। लेट्स नॉट थिंक अबाउट कि वो आगे क्या होना है, लेट्स थिंक अबाउट कि अभी क्या करना है, लेट्स थिंक अबाउट प्रेजेंट, बिकॉज दे जो फ्यूचर सोचता था ना, वो उस वक्त सोचता था जब सब चीजें नॉर्मल थी, अब ये न्यू नॉर्मल है। यहाँ पे सोचता है आपने प्रेजेंट सोचना है, बिकॉज आपने जिंदगी भर प्रेजेंट सोचा है, जब वहां कंटिजेंसी प्लान नहीं बनाया तो अब तो कंटिजेंसी प्लान की जरूरत ही नहीं, बिकॉज दैट वॉज नॉर्मल, नाउ दिस इज न्यू नॉर्मल। इस वक्त आग लग चुकी है और आप फायर फाइटर मैन है और आपने आग बुझानी है। You have to save yourself. So instead of thinking कि भाई वो आगे सब सही हो जाएगा, कोई आएगा आप बुझा देगा सब सही हो जाएगा, नो, ये है, take it and take it. इसीलिए बार बार ये बात ज्यादा अदील और साइमा मुझे रेजोनेट करती है, that it's now time to stop waiting for the silver lining cloud to appear. खुद से बढ़ो, खुद से चलो। Exactly. किस चीज का इंतजार है, किस वही वही बात है जोरा जो हम कल भी कह रहे थे बात, कि इंसान का किसी और से मुकाबला नहीं है, इंसान का अपने आप से मुकाबला है। इंसान अपनी रफ्तार से चल रहा है, अपना आने वाला कल पिछले कल से बेहतर होना चाहिए, इंसान को अपने फ्यूचर पास से बेहतर होना चाहिए, ही शुड बी कॉम्पीटिंग हिमसेल्फ रादर देन कॉम्पीटिंग टू एनी अदर इंडिविजुअल इन द वर्ल्ड। कंपैरेटिव मार्केट ट्रेंड्स के साथ है ही नहीं, कंपैरेटिव जो है वो कंपेटिटर्स के साथ उस माइंडफुल एलिमेंट में है ही नहीं। बिल्कुल ट्रू जी, जुबैदा अरसलान का आप ले रही हैं। हाँ जी, देयर आर फेजेस ऑफ दिस वायरस दैट मे कम, सो वी हैव टू एक्सेप्ट दैट दिस इज द न्यू नॉर्मल नाउ एंड इट इज हियर टू स्टे क्वाइट अ लॉन्ग टाइम, वी हैव टू शिफ्ट आवरसेल्व्स अकॉर्डिंगली इंशाल्लाह। सो आई होप दैट बिल्कुल जुबैदा But yeah, we have taken a first step today, and inshallah we collectively will move this on. और ये आहिस्ता आहिस्ता ये कारवां बनता जाएगा, और जितना बड़ा क्राउड होगा तो उतना हमें भी मजा आएगा इसको न्यू नॉर्मल को अडॉप्ट करने में। बिल्कुल बिल्कुल, डरना नहीं है, संभलना है और इसी को एक्सेप्ट करके चलना है। डोंट थिंक अबाउट वॉट वॉज देयर, डोंट थिंक अबाउट कि थिंग्स वुड बी बैक बैक टू नॉर्मल अगेन, लेट्स एक्सेप्ट वॉट इज देयर एंड लेट्स
you know, find solutions to work within the same scenario. और वही वाली बात मेरे ख्याल से अदील आपकी बात से कनेक्ट करेगी मेरी वाली ये बात कि अगर सारी चीजें उस साइमा आपकी वाली बात भी कि अगर सारी चीजें पुराने नॉर्मल पे चले भी जाएंगी ना तो उस वक्त हमें और नए स्किल्स की जरूरत पड़ेगी और नए सिंक्रनी की जरूरत पड़ेगी माइंड और हार्ट के बीच की कि हम उसमें परफॉर्म कर सके उस कंडीशन को मीट कर सके तो उसके लिए बस अब प्रिपेयर करना है वे फॉरवर्ड इंशाल्लाह बिल्कुल देयर इज अ फेमस कोट ग्रेट पीपल डोंट गो विद फ्लो दे आर द फ्लो मुबशरा हैज मेंशन दिस एंड वेरी राइट वेरी टाइमली सेड तो थैंक यू सो मच एक चीज मैं ऐड कर दूं साइमा जो आप लोग भी बात कर रहे हो जो लोग सुन भी रहे हैं वो ये कि हमें एक चीज रियलाइज करनी है अभी तक तो हम जैसे हम तीन डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस थे हम लोग अपना अपना काम अपनी कैपेसिटी में बहुत अच्छा कर रहे थे बट वन डे वी हैव रियलाइज दैट दिस इज अ टाइम पीरियड दैट क्रिएटिंग अ सिनर्जी विल हेल्प यू इन मूविंग फॉरवर्ड एट अ फास्टर पेस विद द करेक्ट विजन एंड डायरेक्शन तो मेरे ख्याल से जो लोग सुन रहे हैं जो लोग देख रहे हैं हमें वो भी अपनी सिनर्जीज क्रिएट करें मल्टीपल सिनर्जीज क्रिएट करें हो सकता है कुछ सिनर्जी का मैग्नीट्यूड और उसका इम्पैक्ट ज्यादा हो कुछ का थोड़ा सा स्लो बट आई एम प्रीटी मच श्योर वो सिनर्जी कहीं ना कहीं उनको पॉजिटिव रिजल्ट देकर जाएगी बिल्कुल बहुत जबरदस्त बात है इंपैक्ट हो गए कहाँ गए तो फिर हम बच्चों को क्यों पढ़ाते हैं जब हमें नहीं आता हम 21st सेंचुरी नहीं हमें 11th सेंचुरी स्किल्स सीखने की जरूरत है ताकि हम 21st सेंचुरी में सर्वाइव कर सके हम अपने पुराने नॉर्म्स को भूल चुके जो हमें बचपन में सिखाए जाते थे बचपन में सिखाए जाते थे और अभी भी बड़े कॉन्फिडेंस से हम बच्चों को बोलते हैं कि हम जो है वो 20% मैं इसलिए खुश हूँ आप दोनों की बातें सुन के वाकई में आपको बताऊं कि मुझे और ज्यादा इसलिए भी अच्छा लग रहा है कि ये सारी बातें ना हमें अदील और साइमा कहाँ लेके जा रही हैं माइंडफुलनेस की तरफ लेके जा रही हैं कॉन्शियस एफर्ट की तरफ लेके जा रही हैं इस तरफ लेके जा रही हैं कि हम अपनी जो अदील ने बात की कि कंपैरिजन हमारा इस वक्त की सूरत हाल में ये नहीं है कि कौन इस वक्त घर बैठ के ऑनलाइन हमसे कितना ज्यादा कमा पा रहा है बात ये है कि हम किस तरह उस स्ट्रीम का पार्ट बन सकते हैं अपने पैशन को कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं कोई भी चीज जो हमारे दिल के करीब है अदील ने बड़ा प्यारा एग्जांपल अपनी वाइफ का बताया जो टीचिंग कर रही है और अब ऑनलाइन कर रही है माशाल्लाह से ट्यूशंस ऐसी चीज जो उन्होंने पहले सोची थी एक्सप्लोर नहीं कर पाई और ये टाइम ऐसा जबरदस्त निकल आया कि अपॉर्चुनिटी उसके साथ साथ आ गई तो वो जो स्वॉट एनालिसिस की हम लोग बात कर रहे थे पहले वो भी फिर इसका मतलब है कि बिल्कुल स्टैंड ट्रू है हाँ साइमा और अदील कम्प्लीटली बिल्कुल टाइम फॉर अस के ठीक है जो हमने नहीं किया इतने अरसे अब कर लेते हैं और आज जो हमारी पूरी डिस्कशन हुई है मैं यही चीज जो है लोगों से पूछना चाह रही हूँ कि इस दे एनी क्वेश्चन पर्टेनिंग के जो अभी भी दिल में सवाल है जो कि हटक रहा है कि ये तो मतलब इन्होंने एड्रेस ही नहीं किया और ये भी जरूर बताएं कमेंट्स में कि हमारे साथ आज ये प्रॉमिस लेने के लिए तैयार है कि अब जैसे अदील ने कहा इस कारवां का हिस्सा बनना है और साथ बढ़ते ही रहना है अच्छा नेक्स्ट सैटरडे को एक सरप्राइज आप लोगों को बता दूं नेक्स्ट सैटरडे जब हम ऑनलाइन जाएंगे तो ये लोग तो हमारे साथ होंगे कुछ नए लोग भी डेफिनेटली हमारे साथ ऑन बोर्ड होंगे प्रोग्राम में और हमें एक चीज करनी है नेक्स्ट सैटरडे को जो आप दोनों के लिए भी इस वक्त सरप्राइज है वो ये कि हम सब अपनी अपनी कोई दो स्किल्स बताएंगे एक दूसरे को और लोग भी हमें बताएंगे डेफिनेटली हो सकता है कि इस कारवां के थ्रू ही सिनर्जीज क्रिएट करना होना शुरू हो जाए अरे तो हाँ, ये तो बहुत ही जबरदस्त प्लान है सैटरडे जो है वो स्किल आइडेंटिफिकेशन पे करेंगे एंड दिस विल हेल्प अस थ्री ऑफ अस एंड आल्सो द ऑडियंस एज वेल कि हो सकता है मुबशरा की कोलैबोरेशन जुबैदा के साथ हो जाए जुबैदा की कोलैबोरेशन इसाक के साथ हो जाए या हमारी किसी के साथ हो जाए यू नेवर नो तो ओपन हम जाएंगे हम स्किल्स शेयर करेंगे अपनी तो अदील इसको और भी इस तरह से भी ऐड कर सकते हैं कि जो भी इस प्लेटफॉर्म से मोटिवेट होके कोई अचीवमेंट शेयर करता है वो हमारे प्लेटफॉर्म पर अगले सेशन में आना शुरू हो जाएगा तो मेक श्योर कि आप थोड़ा सा अपने आप को बूस्ट करें मोटिवेशन की डायरेक्शन लें और अपनी मोटिवेशन शेयर करें अपनी अचीवमेंट शेयर करें एंड बी विद अस ऑन आवर प्लेटफॉर्म ऑफ दिस सैटरडे सीरीज व्हाट डू यू से इंशाल्लाह वी विल कैच यू नेक्स्ट सैटरडे कम विद योर स्किल दिस वाज द शॉर्ट शो विद from the Zora, Saima and Adil.
So I hope you had a great session. We'll catch you inshallah next Saturday, right, Zora and Saima? Yes, done deal. We're on board. We'll see you guys next Saturday with lot of new skills, with lot of new synergies. Looking forward. I'll catch you inshallah next Saturday. Till then, goodbye. God bless and Pakistan. So, two thumbs up for everybody. Adil, yes. There you go. Thank you so much for joining us. Thank you, guys. Thank you, bye-bye. Guys. Bye-bye. Bye-bye.